अरे बाप रे। अच्छा हम रोदी साथे आ जाइए। अरे भैया तबियत खराब हो जाए, शांति से रहो। यहाँ का इस बाढ़ की विकट परिस्थिति में हम पहुंचे हुए हैं आज कई इलाकों में, जहां से दिखा रहे हैं कि बाढ़ के क्या कुछ हालात है। और आपको बताते चले कि खवासपुर के धानुक टोला है और वहां पे बाढ़ के पानी में डूब जाने से एक बच्चे की मौत हो गई है। और यहां पे उनके परिवार वालों से मिलने के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पहुँचे हुए जो विधानसभा के भाई प्रत्याशी हैं अनूप तिवारी, ये पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उसकी माँ है, आप देख सकते हैं, जो बच्चे जिसकी मौत हो गई इस पानी में डूब करके बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया। और इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कोई भी नेता, कोई भी प्रशासन के लोग इन तक नहीं आए हैं इनका हाल चाल लेने के लिए। और इस आज विकट परिस्थिति में पहुंचे हैं अनूप तिवारी। देखिए इनका रो रो कर कितना बुरा हाल हो गया है। आप देख करके तस्वीरें में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। उसकी माँ है और उसकी माँ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। बच्चे का नाम ले लेकर के चीख रही हैं, पुकार रही हैं कि आखिरकार मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मुझे भी उनके पास पहुँचा दीजिए। हालांकि जो बच्चे जिसकी मौत हुई है, शायद उसके पिताजी बाहर रहते हैं, बाहर कार्य करते हैं अपने घर का जीवन बसर करने के लिए। एक मिनट अनूप तिवारी जी से हम बात करेंगे कि अभी आप पहुँचे हुए हैं, पता चल रहा है कि यहाँ पे इस परिवार से किसी एक बच्चे की मौत हो गई है। कैसे मौत हुई, आपने आया इनसे जानकारी लिया, क्या कुछ पता चला? यह कल रात से ही मिसिंग था बच्चा, मुझे जानकारी मिली थी। सुबह में आके सामान अपना इस पार से उस पार कर रहा था, जो मुझे जानकारी है। और सामान ले जाते समय घर का जो सामान होता है, घर का सामान ले जा रहा था, उसी में इसकी जो बच्चे का पांव या हाथ स्लिप किया और वो गिर गया। और सुबह जाके बच्चे का लाश मिला। कितने साल का बच्चा था? 12 साल का बच्चा था। और पानी की जो फीट है वो क्या, कितना ज्यादा है? 12 फीट है, 10 से 12 फीट है। कहीं मतलब लेवल नहीं है, आप समझ सकते हैं कि यह सुरूर इलाका है। और इस पार से उस पार जाने में क्या हो सकता है, यह गरीब आप समझ सकते हैं, ना कोई देखने वाला है। जो यह हकाम की लड़की है और यहाँ आई है, और खुद जो इसकी माँ है वो ऑलरेडी विडो है, आप समझ सकते हैं वेदना की। अगर यह जाएगी ससुराल तो अपने बच्चे की जो माँ है वो विडो है, विडो है, पिताजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है। और जो लड़की है वो यहाँ इसका जन्म हुआ है और इसकी शादी हकाम हुई है, आप समझ सकते हैं। एक 12 साल का बच्चा, आप देख रहे हैं कि मुझे ही दर्द हो रहा है, रही है कि इसके संसार कैसे चलेगी। तो मैं इस वेदना में प्रशासन के द्वारा या फिर स्थानीय विधायक के द्वारा कुछ इन लोगों को मुआवजा के रूप में या फिर कुछ भी, आप कुछ मेरे साथ चल रहे हैं और शायद आज दिन भर मैं आपको निवेदन करूंगा कि मेरे साथ घूमे, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा इसमें से, मैं इस समय राजनीति या कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जहाँ तक हो सके मैं मदद करना चाहता हूँ, इस पे कुछ नहीं बोला जाए तो ज़्यादा। मैं प्रशासन को फिर से निहार, अगर प्रशासन रहता तो अभी तक तो आ गया रहता। अभी तक प्रशासन नहीं आया है, लाश लेके लाश प्रशासन आया है, बॉडी को पोस्टमार्टम करने के बाद सुबह में, सुबह में विधायक जी नहीं आए, नहीं विधायक जी नहीं आए, कोई भी आला अधिकारी नहीं, बस खाली प्रशासन। एक मिनट, अब देखिए इनसे पूछिए जो ग्रामीण जनता है। आप परिवार के लोग हैं यहाँ पे? जी गांव के ही हैं। गांव के हैं, कैसे क्या घटना घटी? मतलब वो बच्चे था यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात है कि ये कोई यहाँ साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। एक बार वहाँ से लोगों हाला किए, कोई आया था अधिकारी, बोले कि जो नहर पर हैं, नहर पर जो रह रहे हैं उन्हीं को सब कुछ लाभ मिलेगा। पप्पू यादव भी यहाँ क्या नहर से गए हैं? हाँ, तो सब लोग वहाँ पर हाला कर दिए। हमारे गांव में जो भी है सब लोग तो एक दुख से भरे हुए हैं। वो बच्चा उसी ढाक में जा रहा था, भाई हम भी जाएंगे तो हमको आर मिलेगा कुछ। अब वो जाने के टाइम में वो बच्चा कैसे पौड़े रात की घटना है क्या? मतलब शाम के टाइम में 9-10 बजे, हाँ। अब वो गया तो इसकी माँ आगे चले गई, पीछे से बचा गया है, पता नहीं चल सका, पता उसको इसकी माँ को नहीं चला। इसके बाद में जब 2-4 घंटा बीत गया तो उसको ढूंढने लगे सब लोग। आज बॉडी उनके बच्चे की बरामद सुबह 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 में मिला। कुछ आप लोगों को प्रशासन द्वारा कुछ मदद, कुछ सहायता? मदद यही कि प्रशासन आया, रिपोर्ट लिख कर पोस्टमार्टम में गया बच्चा।
बस इतना ही, इसके बाद कहीं कुछ आप लोग सहायता? हाँ, और कोई सहायता नहीं मिला, पूरा गांव डूब चुका है। हाँ हाँ, देखिए ना, गांव तो आपके सामने है, सब दिखा दीजिए। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम अंकित, अंकित नाम था। देखिए, थोड़ा सा हम चाहेंगे इनके परिवार के लोगों से हम बात करें, इनसे चाहेंगे हम बात करें, हालांकि इस स्थिति में नहीं है। ये बताइए कि कैसे बच्चे आप लोग जब आ रहे हैं तो कैसे बच्चे बबुआ के, हम बबुआ के खोज तनी सन, हमनी मेहरारू दरबार रह सन, हमार बेटा रहुअन तो गई रहुअन हितई हितई से आऊअन 7 बजे 8 बजे खनी 7-8 बजे आऊअन तो पानी में डूब के तीन भाई एगो है एक दूजना और एगो भतीजा इनको एगो कह के खोजत रहुए लो तो कहीं ना मिलू। आज बॉडी मिला है उनका? हाँ, आज मिला हूँ नाई से, झोटा लोग धोके घींचल हलो। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनके जो आंसू हैं, इस आंसू को हम खत्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पीड़ा है, एक बच्चा जब चला गया इस दुनिया से तो उसका दुख दर्द आप समझ सकते होंगे। इनके आंसू को देख करके और बिल्कुल हमारे भी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, अनूप तिवारी जी के भी आंखों में आंसू आ गए। जाहिर तौर पे प्रशासन को चाहिए कि इस दुखद परिस्थिति में यहाँ पर आकर के और इस परिवार को कम से कम मदद की जाए। इस घर का चिराग बुझ गया है और ये लोग प्लास्टिक तान करके, तंबू लगा करके अपने परिवार का जीवन बसर किसी भी तरह करने को मजबूर और विवश हैं। बसंतपुर के खवासपुर से हमारे सहयोगी नजरालम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। पतंजलि चिकित्सालय फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास सिवान, स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान, बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीवी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5-10% की छूट पाए। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।